दोस्तों, आज की वीडियो में हम किसी भी प्रकार की मूवी को एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, बल्कि हमारी आज की वीडियो एक और खतरनाक और डरावनी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की हमारी वीडियो में हम कुछ ऐसे खेल को, कुछ ऐसे गेम्स को आपके सामने लाएंगे जिन गेम्स को खेलने के बाद दूसरी दुनिया से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, दूसरी दुनिया की आत्माओं से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहता हूं, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को छोड़ दीजिए। और साथ ही साथ एक बात और, जो गेम्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, उस गेम्स को मेरे कहने से आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ये गेम आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको मर्जी पर, खुद की मर्जी पर खेलना है तो आप खेल सकते हैं, लेकिन जोश जोश में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे आपको लेने के देने पड़ जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं टॉप 4 ऐसे हॉरर गेम्स जिन्हें आपको कभी भी नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा एक बहुत ही खतरनाक गेम जिसका नाम है डारूमा-सन। जी हाँ, ये गेम जापान में बहुत ही मशहूर है और इसको सबसे पहले वहीं पर खेला गया था। इस खेल को खेलने के लिए आपको अपने घर के बाथरूम के अंदर जाना है। आपके बाथरूम के अंदर जो बाथटब है, आपको उसके अंदर चकमा चक पानी भरना है। पानी को भरने के बाद आपको बाथटब के अंदर बैठना है और अपनी पूरी बॉडी को पानी से भिगा लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपका एक भी अंक सूखा ना रह जाए। और ध्यान रहे, बाथरूम के दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेना। और इस खेल को और अच्छे से करने के लिए बाथरूम में अंधेरा यानी कि बाथरूम की लाइट को ऑफ कर लेना। और दोस्तों, इसी के साथ अब आपको बाथटब के अंदर बैठकर डारूमा-सन, डारूमा-सन, डारूमा-सन ये नाम बार बार लेना है। आपको ये नाम जब तक लेना है जब तक आपको ऐसा महसूस ना हो जाए कि आपके आसपास या आपके बाथरूम में कोई तो मौजूद है। इस खेल को खेलते वक्त गलती से भी आपको ऐसा यकीन हो जाए कि आपके आसपास कोई तो मौजूद है, तो आपको यहाँ से भागने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जो आत्मा, जिस आत्मा को आपने बुलाया है, वो आपको तुरंत ही मार देगी। इसलिए दोस्तों, धीरज रखना है और उस आत्मा का सामना करना है। और एक बात ध्यान रखना, जो जो भी गेम मैं आपको बता रहा हूँ, इस गेम को खेलने के बाद आपको गुड बाय जरूर बोलना है। आपके बुलाने पर कोई आत्मा आती है तो आपको उससे डील करना है। जी हाँ दोस्तों, अब डील का मतलब ये नहीं है कि आपको उससे बातें करना है। आप एकदम शांति से इस गेम को खेलें, बिना डरे हुए इस गेम को खेलें। कुछ ही देर के बाद वो आत्मा अपने आप ही चली जाएगी। इस गेम के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस आत्मा को अगर आप बुलाओगे तो वो आएगी आपकी मर्जी से और जाएगी अपनी मर्जी से, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, जापान में और हमारे इंडिया में कई सारे लोगों ने इस खेल को ट्राई किया है, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि उनको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता और ना ही उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई आत्मा उनके पास आई है। लेकिन वहीं कुछ गिने चुने लोगों का ये मानना है कि ये खेल एकदम सत्य है। हकीकत में उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो उनके आस पास है। इसीलिए आज की वीडियो में बताए गए किसी भी गेम के बारे में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये गेम सत्य है या फिर झूठ। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे गेम की तरफ। दोस्तों, इस लिस्ट का दूसरा गेम है क्लोज्ड गेम। जी हाँ, ये गेम बहुत ही मशहूर है, आपने इसका नाम भी सुना होगा। इस खेल को खेलने के बाद कहा जाता है कि आप सीधा आत्माओं से बात कर पाएंगे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता। अब दोस्तों, इस गेम को खेलने के लिए आपको एक बहुत ही अंधेरे कमरे के अंदर जाना होगा। आप अपने हाथ के अंदर एक माचिस की तीली को ले लेना है। अंधेरे कमरे के अंदर आपको पूरी तरह से काला अंधेरा रखना है। ध्यान रहे, कमरे के अंदर रोशनी बिल्कुल भी ना आए। उस माचिस की तीली को पकड़कर आपको एक शैतान को बुलाना है और ये कहना है कि या तो मुझे रोशनी दिखाओ या मुझे अंधेरे में लेकर चले जाओ। आपको ये बार बार बोलना है। और दोस्तों, इस गेम के बारे में ये कहा जाता है, जब आप इस तरीके से बोलोगे तो पीछे से एक शैतान आपको पकड़कर कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे के अंदर लेकर चला जाएगा, जहां से आप कभी भी जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। और साथ ही अगर आपको इस खेल को खेलते हुए ऐसा यकीन होने लगे कि आपके आसपास कोई तो आ चुका है, तो तुरंत ही आपको माचिस की तीली को जला लेना है। जी हाँ दोस्तों, याद रहे, अगर आपको कोई घसीट कर ले जाने की कोशिश करे तो समझ लेना कि आपका ये बहुत ही बड़ा बैड लक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपके बुलाने से कोई भी नहीं आया है और आपको बिल्कुल अच्छा महसूस हो, तो समझ लीजिए कि ये गेम
पूरी तरह से फेल हो चुका है। जिस आत्मा, जिस शैतान को आप बुलाना चाहते हैं, वो यहाँ पर नहीं आना चाहता। इसलिए तुरंत ही माचिस की तीली को जलाकर उस कमरे से बाहर निकल जाइए, आप एकदम खुश रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के तीसरे गेम की तरफ। दोस्तों, तीसरे गेम का नाम आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है ब्लडी मैरी। जी हाँ, ये गेम बहुत ही मशहूर गेम है। इस गेम को खेलने के लिए आपको आईने के आगे खड़ा होना है, मोमबत्ती को जला लेना है और गोल गोल घूमकर आपको ब्लडी मैरी तीन या कुछ बार बोलना होता है। इस गेम के अंदर आप किसी खून से सनी हुई औरत को या फिर कह लो कि एक आत्मा से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। इस गेम को काफी सारे लोगों ने ट्राई किया है, आपको YouTube पर वीडियोस भी मिल जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि हकीकत में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वही कुछ लोग इस गेम को फेक और एकदम फ्रॉड बोलते हैं। वेल, आपको इस गेम के बारे में क्या लगता है, क्योंकि ये गेम बहुत ही मशहूर है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप इस गेम को ट्राई करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। वेल दोस्तों, इस लिस्ट की सबसे चौथे नंबर पर आता है जिस गेम का नाम है शार्लेट्स गेम। जी हाँ दोस्तों, ये गेम भी बहुत ही मशहूर गेम है। इस खेल के अंदर आप एक बहुत ही पुरानी बच्ची जिसका नाम शार्लेट है, उसकी आत्मा से कांटेक्ट कर पाएंगे, उसकी आत्मा से बात कर पाएंगे। इस खेल को खेलने के लिए आपको दो कुर्सियां चाहिए और साथ ही साथ एक मिरर, एक डॉल और इसी के साथ आपको एक टॉर्च भी चाहिए पड़ेगी। ध्यान रहे, जब भी आप इस गेम को खेलें तो आपको एक बंद कमरे के अंदर खेलना है, जिस कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा हो। और अगर आपको उस कमरे के अंदर कोई खिड़की दिखाई दे रही है तो आपको उसे बंद करके पूरे कमरे में एकदम काला अंधेरा कर लेना है। खेल शुरू करने के लिए आपको दो कुर्सियों को साथ में रख देना है, एक दूसरे के बगल में, और उन कुर्सियों के बीच में आपको एक छोटी सी टेबल रख देना है, जिससे कि आप उसकी मदद से इस खेल को और अच्छा कर पाएं। सारे कमरे की लाइट को बंद कर दो और एक कुर्सी के ऊपर जो आपके पास गुड़िया है उसको रख देना है। और दोस्तों, इसी के साथ एक चेयर पर आपको खुद बैठ जाना है। टेबल के ऊपर आपको उस मिरर को रखना है जो आपके पास है। अब इसी के साथ टॉर्च से उस मिरर के अंदर से आपको उस गुड़िया को देखना है। वेल, जैसे ही आप उस गुड़िया को देखोगे तो आपको शार्लेट्स बोलकर उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करना है। पूरे कमरे में अंधेरा होगा, एकदम शांति होगी। जब आप उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करेंगे तो एक छोटी बच्ची की आत्मा आपके पास आएगी। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद कोई आत्मा आपके पास आ चुकी है, तो समझ जाना कि आपका गेम पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। और इसी के साथ आपको इस गेम को खेलना है। अगर आप डर रहे हो वो आत्मा आपके सामने आ चुकी है, तो आपको गुड बाय बोलकर यहाँ से निकल लेना है। लेकिन ध्यान रहे, बिना गुड बाय बोलकर बिल्कुल भी मत जाना। अगर आप बिना गुड बाय बोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो वह आत्मा हमेशा के लिए तुम्हारे घर के अंदर ही रहेगी और तुम्हें परेशान करेगी, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसलिए गेम की रिक्वायरमेंट है, खेलने के बाद आपको गुड बाय जरूर बोलना है। सो दोस्तों, बस यही थे ये चार सबसे खतरनाक और खौफनाक गेम। इस लिस्ट के अंदर ऊजा बोर्ड का नाम भी आता है, लेकिन वो गेम बहुत ही पुराना हो चुका है। उस गेम के बारे में सभी लोगों को पता है। वेल, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग इसमें से कौन से खेल को ट्राई करने वाले हैं। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप लोग इसको बिल्कुल भी ट्राई मत करें। बट लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी की बात को नहीं मानते और इस गेम को ट्राई करना शुरू कर देते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी बात, आपको किसी भी गेम का मजाक नहीं उड़ाना है। जी दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपको ये गेम खेलना है तो ठीक है, नहीं खेलना वो बात अलग है, लेकिन आप इनमें से किसी भी खेल का मजाक ना उड़ाएं। आप इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हो या फिर नहीं, वो सब आप अपने दिल के अंदर रखें, लेकिन आपको मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। वेल, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक और नई खतरनाक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।